मीडिया के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा और इस वक्त हमारे साथ खास हमारे मेहमान मौजूद हैं कमलेश पटेल साहब। आप SS हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के आप संचालक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से आप कार्यरत हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि 90 दिनों से ज़्यादा का लॉकडाउन हो चुका है पूरे भारत में। लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, आने वाले समय में पोस्ट लॉकडाउन क्या चैलेंजेस होंगे, किस तरह की तैयारियां आपकी हैं, इन सब चीज़ों को लेकर खासकर एजुकेशन क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आए हैं और आने वाले समय में और क्या क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं, इन्हीं सब मुद्दों और सवालों को लेकर आज हम कमलेश पटेल साहब से हम चर्चा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सर सवाल आपसे यही है कि ये मोर देन 100 डेज का लॉकडाउन हो चुका है, ऐसी सिचुएशन कभी पहले भारत में नहीं देखी गई, तो जिस चीज का आप अनुभव कर रहे हैं कि इतना लंबा लॉकडाउन हुआ है तो एजुकेशन सिस्टम पर, खासकर स्कूलों के संचालन पर, पढ़ाई पर, शिक्षा पर किस तरह का व्यापक असर आपको दिख रहा है और कितना प्रभाव पड़ा है इसका? बच्चों को जो एक नज़दीकी होनी चाहिए थी वो एक दूरी हो गई है। पेरेंट्स का, टीचर्स का और बच्चों का जो एक मेलभाव रहता है वो मेलभाव बहुत एक दूरी बन गई, यानी जो बच्चों में एक फियर बन गया, टीचर्स में एक फियर बन गया और जो आपस में बच्चों का आपस में जो यहाँ आकर दोस्ती का खेलना और मस्ती करना वो जो होता था वो पूरा बंद हो गया। तो घर में रह के जो उनकी वो फीलिंग होती है वो नहीं रहती है। जो बच्चे आज हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो वो एंजॉयमेंट उनको बच्चों के साथ जो मिलता है वो उनको उनके पेरेंट्स के साथ भी नहीं मिलता है। तो ये लॉकडाउन की वजह से बच्चों को बहुत सा एक नैरोनेस फील हो गया है। स्कूलों एज ए एजुकेशनलिस्ट हम देख रहे हैं कि जो फ्लो में स्कूल चलती थी, यानी आने वाला साल का जो सिलेबस क्या है, कैसे प्लान करना है, वो पूरा एक स्टैंड स्टिल जैसा हो गया, यानी बहुत स्लो हो गया है। कहीं ना कहीं टीचर्स का जो मोटिवेशन कमज़ोर हो गया है, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि ये बिल्कुल आगे हम आगे चलेंगे करके इस चीज़ को लेकर। सिचुएशन जो है उस तो हम उसको टेक ओवर करेंगे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, जहाँ पेरेंट्स का भी हो सकता है प्रॉब्लम बट फाइनेंशियली काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया। सर जैसा आप देख रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि एक इम्पैक्ट तो हुआ है इसमें, तो ऐसे में अब जो एजुकेशन जिस तरह का फ्लो था वो फ्लो एकदम स्टक हो गया है, सारी चीज़ें ठहर गई एक तरह से अगर आप देखें तो फिर इस दौर में बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप किस तरह की तैयारी में हैं, क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था वो ऐसा पीरियड था जब बच्चों के एग्जाम्स होने वाले थे, कुछ लोगों के एग्जाम शुरू भी हो गए थे, ऐसे में जब ये सारी जो एजुकेशन सिस्टम है जब ठहर गई है तो फिर बच्चों को उस पर कैसे साल भर के उनके प्रयासों को, उनके पहल को, जो जितना अभ्यास उन्होंने किया तो सारी चीज़ें खत्म हो गए, अब उन्हें कैसे ड्राइव दी जा रही है? अच्छा सवाल है। बच्चों ने लगभग साल भर, पूरे साल भर उसकी तैयारी की थी, पढ़ाई की और अगले साल एग्जाम देने के बाद नई क्लास में जाना है। बच्चों की जो एक साल भर की तैयारी होती है वो परीक्षा के समय ही आके पूरी रुक गई। बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने समय को रहते हुए निर्णय दिए और उस हिसाब से सभी को बाय डिफॉल्ट प्रमोशन किया गया। और बच्चों को एक तरह से रहा कि भाई हम प्रमोट हो गए, बट वो एग्जाम का जो एक बच्चों को एंजॉयमेंट होता है कि भाई हाँ एग्जाम भी हम देखकर पास हो गए, वो नहीं रहा। बच्चे प्रमोट हो गए हैं, नई क्लास में भी चले गए, बट वो जो नए क्लास की जो अगेन फीलिंग होती है कि जो उनमें पहला दिन आते हैं, बरसात, बच्चे भीगते हुए आते हैं, वो फीलिंग उनकी नहीं रही है। तो हाँ जी, आप बता रहे थे, बताइए। उसके अलावा जैसे जून में शुरू में बच्चे आते हैं, आपस से अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ एक पढ़ाई तो होता ही है, पढ़ाई तो करना ही, बट उसके साथ उनका जो एक नेचुरल एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत कमज़ोर पड़ गया है। तो सर पढ़ाई को लेकर क्या अभी क्या नया तरीका क्या चुना गया है, क्योंकि अब ट्रेडिशनल क्लासेस तो चल नहीं रहे हैं बिल्कुल, तो ऐसी कंडीशन में अब बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? आपके विद्यालय की ओर से, आपके कॉलेज की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए? जी लगभग सभी मेजर स्कूलों ने ऑनलाइन पद्धति यूज़ की है, हमने अपने तरीके से भी ऑनलाइन किया, बट हमने उसमें ऑनलाइन सिलेबस में हमने बहुत कुछ कर्टेल किया है ताकि बच्चों को ऑनलाइन में दो चार चार पाँच पाँच घंटा बिजी न रहना पड़े। उनके आंखों पर, उनके कानों पर जो प्रभाव हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कम से कम सिलेबस और जो मेजर फैक्टर है उसी को कवर करने का कोशिश किया। और उसी में हर लेक्चर के बीच में कुछ ब्रेक देना, उस ब्रेक में बच्चों से कुछ कैजुअल बातें रखना, उनको पूछना और कहीं ना कहीं योगा, प्राणायाम,
एक्सरसाइज, ये सब प्रोसेस हमने इन ऑनलाइन में भी रखा है। अच्छा। ताकि बच्चे, अगर चार लेक्चर है तो एक लेक्चर वो पूरा एक्सरसाइज और प्राणायाम में, योगा में करें, और उसके बाद में तीन लेक्चर जिसमें भी हर एक लेक्चर में ब्रेक होगा उसको धीरे 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 फ्लेक्सिबल ही लें, यानी एकदम पीयर प्रेशर जो होता है वैसा नहीं होने दिया उसको, फ्लेक्सिबल रखें। बट ये ऑनलाइन शायद हम जितना जितना जल्द खत्म हो जाए और ऑफलाइन आ जाए बच्चे और यहाँ एंजॉय करें स्कूल में, वही हम चाहते हैं। एक आपने जिक्र किया कि सिलेबस को कटेल करने की आपने जरूरत बताई, ऑलरेडी CBSE ने अपने सिलेबस में कटेल कर दिया है, आपको लगता है कि बतौर एजुकेशनिस्ट की अब वो दौर नहीं है जो सारे सिलेबस एक साथ पढ़ाए जाएं, उसमें कहीं ना कहीं सिलेबस में कटेल करने की जरूरत है और वो स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये करे, आपका क्या सुझाव है इसमें? जी बिल्कुल, सिलेबस बहुत जल्दी कर्टेल करने का जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करना चाहिए, और साथ में उसी का इम्पैक्ट जब हम हायर क्लास का करते हैं तो उसी का इम्पैक्ट लोअर क्लास पे भी आ जाता है कि कैसा कर्टेल करना है। और मैं तो ये आगे जाके भी कहूँगा कि भविष्य में भी कुछ सिलेबस कर्टेल ही रहे, और जो कर्टेल हम करते हैं वो सिलेबस को सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड रखें, और जो महत्व के है उसी सिलेबस को हम एग्जाम बेस्ड रखें। बाकी इंफॉर्मेशन बेस्ड रखने से क्या होगा कि भविष्य में आने वाले जो बच्चे स्कूल में आएंगे वो उनका जो खेल कूद का माहौल है वो योगा का समय है या स्पोर्ट्स का समय है या एक्सरसाइज का समय वो बढ़ सकता है। यस यस। या प्रैक्टिकल पढ़ाई का समय बढ़ सकता है। अभी होता है कि कई सिलेबस ऐसे हैं जो मार्क्स बेस्ड है बट वो भविष्य में उन बच्चों को कुछ काम नहीं आता, काम नहीं होता। अच्छा। उससे बेटर है कि अगर हम उसको इंफॉर्मेशन बेस्ड रखें ताकि वो मार्क्स बेस्ड ना हो, बच्चे उसको भी पढ़े मगर वो एंजॉय करते हुए। आपके नज़र में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कटेल करना चाहिए? नहीं, लगभग सभी सब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें हैं जो कटेल करनी चाहिए। यानी अगर हम उदाहरण तौर पे ले तो हिस्ट्री, उसको हम ड्रामेटाइजेशन ले सकते हैं। यस, ड्रामेटाइजेशन की तौर पे ले सकते हैं, अपने भारत का पुराना इतिहास उनको बच्चों को बता सकते हैं, अपनी वीर गाथाएं उनको समझा सकते हैं और उनके अंदर एक ब्रेवरी भर सकते हैं। यस, कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बिल्ट होता है। मैथ्स को लेके कई बार कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के टॉपिक्स है वो हम कटेल कर सकते हैं। यस, तो साइंस को लेके भी कुछ सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग के हैं वो कटेल कर सकते हैं। इंग्लिश को लेकर कुछ जो एमए मास्टर्स में डिग्री में बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे अब वो भी स्कूल लेवल पर आ गए, तो वो सब हम कर्टेल करते हुए सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस तक सीमित रख सकते हैं। पोर्शन को लेकर टीचर कंफ्यूज है, अगर जल्द से जल्द गवर्नमेंट कर्टेल करती है तो टीचर उस हिसाब से प्लान करेंगे, और अगर कर्टेल नहीं करना है तो टीचर पूरा पढ़ाना है ये ध्यान में रखते हैं। तो ये जो अगर जल्द से जल्द कुछ डिक्लेयर हो जाता है कि भाई हाँ इतना परसेंट कर्टेल करना है और इस तरह से करना है, यानी खास करके हायर क्लास पे, तो वो कर्टेल होने के बाद टीचर अपना प्लान जो सिलेबस प्लान करती है और उस हिसाब से बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं। आपने बहुत बढ़िया सुझाव दिया सर, मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में गंभीरता से पहल करनी चाहिए, खासकर स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ मामला है। सर आपको पॉलिसी के हिसाब से अगर देखें तो जो लॉकडाउन में तमाम गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जारी हुई हैं कि किस तरह से एजुकेशन को ड्राइव देना चाहिए, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन भी शामिल है। अब बच्चों का जो सत्र था वो शुरू हो गया जून में, जो होने वाला था किसी तरीके से ऑनलाइन शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कि किस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करने की अभी आज के दौर में ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉकडाउन में चीज़ें बदली हैं तो सिलेबस और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी बदलाव होना चाहिए। हाँ, जो मैंने कर्टेल की बात की थी वो कर्टेल का जल्द से जल्द डिक्लेयर होना चाहिए कि क्या कर्टेल और किस तरह से हम अगले साल जाने वाले हैं। उसके अलावा एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस समय से उनको कैसे साल भर स्कूल लेके जाना है। यानी समझो कि ये सितंबर अक्टूबर तक एक टेंटेटिव आइडिया देना चाहिए कि भाई सितंबर के बाद या अक्टूबर के बाद स्कूलें चालू हो सकती है, तो बच्चे थोड़े से वो मोटिवेट इंस्पायर हो जाते हैं कि भाई हाँ अभी स्कूल जाने को मिले या अभी खेलने को मिलेगा। वो एक चीज़ों के कुछ ऐसे मीडिया न्यूज़ में थोड़ा आना चाहिए तो बच्चों को थोड़ा एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की है कि कम से कम तय करे, एक एक के संभावना तो कम से कम सरकार जताए, उसके बाद मीडिया उसकी खबर देगी। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से इसमें कुछ देरी हो रही है, इसे इस तरह की पहल करनी चाहिए? हाँ, काफ़ी देरी हो रही है, बट अभी सरकार की ओर से शायद उनकी टीम वर्क नहीं हो रहा है। यस, या उनके पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो इस चीज़ को और ब्रॉडली रख सके। अगर ये ब्रॉडली रखते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, और क्योंकि हजारों नहीं लाखों बच्चे हमारे स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, तो इस स्टेट को कुछ एक
प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि भाई हाँ ये बेस को लेकर चलना है। सर एक आजकल मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में है कि पेरेंट्स जो है ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में फीस भरने को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, कई जगह से शिकायतें भी आई हैं, कई जगह पर उसको लेकर विरोध भी हुआ है जी। किस तरह के आप हालात देख रहे हैं, क्या फीस को ऑनलाइन एजुकेशन के तौर पर कहीं ना कहीं अलग तरीके का सिस्टम कोई अडॉप्ट करना चाहिए क्या, या जो ये विरोध हो रहा है उसे आप वाजिब मानते हैं? अभी जैसे फाइनेंशियल को लेकर हम देखेंगे तो स्कूल्स के अपने खर्चे हैं, जैसे सैलरीज है स्टाफ के, टीचर्स के, मेंटेनेंस का खर्चा है, ड्राइवर्स का खर्चा है, क्लीनर्स का खर्चा है, फिर जो हाउसकीपिंग स्टाफ है वो पैरेलल चल रहा है खर्च। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर कुछ एक स्टडी करके एक डिसाइड करके पूरे स्कूल्स को पेरेंट्स को मिलाकर एक टेंटेटिव ओपन कर दे कि भाई इस तरह का फीस का क्राइटेरिया रहेगा और ये फीस गवर्नमेंट कर्टेल करेगी, इरेस्पेक्टिव कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, ये चीज़ों को पेरेंट्स को भरना नहीं रहेगा और ये वो भर सकते हैं। बेसिकली अगर हम ट्यूशन फी तक सीमित रखें या कुछ और लगता है कि भाई ये एक्सपेंसेस भी गवर्नमेंट को ध्यान में आता है तो वो एड ऑन करके प्राइवेट स्कूलों को उतना ही कलेक्शन करने तक सीमित दें, तो स्कूल का भी अपना काम जो आसान हो जाता है। पेरेंट्स अपने दुविधा में है कि हम गवर्नमेंट जब तक कुछ टेंटेटिव क्लियर नहीं करता है तब तक वो फीस नहीं भर सकते। तो ये आपको एक लगता है कि ये चुनौती है, क्योंकि ये ना सिर्फ पेरेंट्स बल्कि स्कूल संचालक भी, स्कूल भी तो कंफ्यूजन में है कि एक्चुअली क्या करें, और पेरेंट्स का विरोध बढ़ रहा है, इसकी वजह से उनकी चिंताएं भी बढ़ रही हैं, विरोध भी बढ़ रहा है, तो इसमें देरी को आप क्या कारण मानते हैं? कहीं ना कहीं सभी के लिए चुनौती है, सरकार के लिए भी पूरा नया है, तो ये एक दुनिया में शायद ये पहली बार ये ऐसा आपदा आया है, तो ये चुनौतियाँ उनके लिए भी है। तो मेरे हिसाब से हम थोड़ा समय देंगे उनको कि कुछ ना कुछ एक और अच्छा सॉल्यूशन जल्द से जल्द आएगा। अब सर जब 100 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं लॉकडाउन के, और आप जैसा कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू हो गया है और उसमें तरह तरह के आप चीज़ें उसमें ऐड कर चुके हैं, आने वाले समय में क्या नई तैयारी होगी कि अगर ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता, या खासकर एजुकेशन सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सितंबर या अक्टूबर तक अगर ये फिर से प्रीवियस ड्राइव अगर नहीं इसको मिल पाती है, तो उस दौरान के लिए क्या कोई प्लानिंग है एज ए संचालक, एज ए डायरेक्टर, आप क्या प्लानिंग करके चल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने उस दौर में भी अगर डिसीजन कुछ सॉलिड नहीं आता है तो उसमें फिर अपने बच्चों को, अपने छात्रों के लिए किस तरह की तैयारी एजुकेशनिस्ट के तौर पर कैसी होगी? हम तो बच्चे जब तक ये लॉकडाउन ये क्राइटेरिया रहेगा तब तक बच्चे बाहर आ ही नहीं सकते हैं। yes, और जब तक वो आ नहीं सकते तब तक उनको ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसी माध्यम से हमें चलना पड़ेगा। हाँ, बट अगर कुछ टेंटेटिव जैसे ऑफलाइन या बच्चे आ सकते हैं इसका कुछ ना कुछ संकेत मिलते हैं तो बड़ी बच्चे तो थोड़े से एटलीस्ट वो बाहर आकर एनर्जी आ जाएगी उनको। कुछ जो एजुकेशन एक्सपर्ट हैं वो जो सुझाव दे रहे हैं ये कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना से बचने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन ऑड इवन डे में स्कूल चलाए जा सकते हैं, एक एक क्लास के लोग बच्चों को बुलाया जा सकता है, और सेफ डिस्टेंसिंग, ना कि सोशल बल्कि सेफ डिस्टेंसिंग रख के स्कूलों को फिर से चालू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सुविधाएँ नहीं है। किसी घर में 3 बच्चे हैं और 1 सिंगल मोबाइल फ़ोन है, या 4 बच्चे हैं तो उनके पास 2 सिस्टम है, तो ऐसे में उनकी पढ़ाई एक समय पर पढ़ाई तो हो नहीं सकती, कई बार इंटरनेट और दूसरी टेक्निकल इशूज भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। तो आपको लगता है कि ये जो चुनौती है, इस चुनौती को दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है सरकार के लिए? अगेन जब तक ये मेरे हिसाब से ऑनलाइन पूरा मतलब जब तक ये वायरस को लेकर जो भी प्रॉब्लम है जब तक वो सॉल्व नहीं होता है ऑनलाइन रखना ही ठीक रहेगा। बट स्कूलों ने ये ध्यान रखना है कि मेजर सिलेबस एक्सेस पढ़ाना नहीं है, बच्चों को जो फोकस करना है, जो लिमिटेड पढ़ाना है उतना ही पढ़ाना है, ताकि अक्टूबर नवंबर में जब बच्चे आए तो उन बच्चों को उस रिविजन कराते हुए कवर करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 40% से 50% सिलेबस कर्टल करते हुए उनको उन बच्चों को वो भी फील होना चाहिए कि उन्होंने पढ़ा है कुछ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि अगर 50% भी अगर अपन कर्टेल करते कम से कम एक ड्राइव रहेगी, उनको लगेगा कि हमने पढ़ाई की है। बिल्कुल, एकदम से ऐसा नहीं रहेगा कि हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है और अचानक हमारे सामने पूरा सिलेबस आ गया है। एक सर आपसे जानना चाहेंगे कि एक्चुअली आपके सामने इस वक्त क्या चुनौती है, अगर मैं
काउंट गिनती में पूछूं कि इस वक्त एक विद्यालय संचालक के तौर पर सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो क्या है आप लोगों के सामने, और जिसे आप चाहेंगे कि सरकार इसे तत्काल इसका समाधान निकाले? वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए फाइनेंशियल है, जो स्लोडाउन की वजह से बिल्कुल भी फाइनेंशियल जीरो जैसा हो गया है। यस, तो और बाकी तो सब मीटर चालू ही है, सैलरीज वगैरह। उसके अलावा जो टीचर्स स्कूल में आकर हम उनको जून में इनकरेज करते थे या उनको नई गाइडलाइंस बताते थे, उनको मोटिवेट करते थे, आज वो भी उनको हमने उनको तैयार इस ऑनलाइन के लिए भी हमने उनको मोटिवेट किया, तो अब वो तैयार हो चुके हैं। बट ये जो फ्रीडम और माहौल, ये जो अगर ओपनली टीचर्स आते हैं तो बहुत एंजॉय करेंगे। यस, तो मतलब कहीं ना कहीं मोरालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा ही दौर रहा तो। बिल्कुल। सर क्या सुझाव आप देना चाहेंगे, कि आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे पेरेंट्स को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उनको, कि आप किस तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में ना पड़े? पेरेंट्स को तो यही कहूँगा कि भाई बिल्कुल रिलैक्स रहिए, स्कूलें अपनी मेहनत कर रही हैं बच्चों को आगे ले आने के लिए, और इतना भी मतलब मोबाइल में 6-6 घंटे 8-8 घंटे बच्चे न रहे इसका भी ध्यान रखें, और स्कूलों ने भी यही ध्यान रखना है कि सिलेबस उस लेवल से पढ़ाए कि 2.5-3 घंटे के ऊपर बच्चा मोबाइल के ऊपर ना रहे। सरकार की ओर से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई जल्द से जल्द इसके प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं उसका एक गाइडलाइन बनाएं और जल्द से जल्द डिक्लेयर करें। कुछ आप अपने तरफ से संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि सिलेबस जल्द से जल्द अगर कर्टेल होता है और वो डिक्लेयर होता है तो बहुत अच्छा रहे। एक आखिरी सवाल, चूंकि SS हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज इस क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट रहा है, तो आप अपने यहाँ किस किस तरह के एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश में हैं और क्या आगे की तैयारी रहेगी सर? बिल्कुल, हम बच्चों को जैसे फिजिकल फिटनेस जो सबसे महत्व का है उसके ऊपर हम बच्चों को फोकस करवाएंगे, अच्छा खाना क्या है और जो खाना नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस करवाएंगे, डेली एक्सरसाइज, डेली खेल, खेल का हमारे बच्चों के बुद्धि पर भी कितना परिणाम होता है, हम शरीर पर तो होता ही है ये ध्यान देते हैं, बट उसके बुद्धि पर कितना परिणाम होता है। जैसे कहते हैं कि जो उसको आज हम देखते हैं कई बच्चे मार्क्स में कमज़ोर हो जाते हैं तो तुरंत तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हमने कई सुसाइड अटेम्प्ट्स भी देखे हैं, तो स्पोर्ट्स के वजह से वो मोटिवेट हो जाता है, उसको हारने का भी उसको मजा आता है कि भाई चलो इस बार मैं हारा तो अगली बार जीत, चैलेंज एक्सेप्ट करने का उसको जज्बा पैदा हो जाता है। यस यस, तो पहले दो चार लेक्चर होते हैं वो उसमें यही खेल कूद योगा और इसी के ऊपर फोकस करना, अच्छे खाने के ऊपर, और अगले चार लेक्चर है उसके ऊपर पढ़ाई और उस पर। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने ये गंभीर विषय पर आपने एजुकेशन पर खासकर जो चैलेंजेस हैं और जो आगे की प्लानिंग है उसको लेकर आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। जैसा कि आपने कुछ सुझाव दिया है कि अगर कुछ सिलेबस कटेल किया जाता है तो इससे बच्चों को ज़्यादा तनाव, ऑनलाइन अगर एजुकेशन चालू भी रहता है तो उससे बच्चे तनाव में नहीं रहेंगे बल्कि इस तरह के सिलेबस रहें ताकि वो इंजॉय करें उस पढ़ाई को भी, और जब एक्चुअल में सितंबर अक्टूबर के बाद स्कूल फिर से खुलने का जब माहौल तैयार हो उस वक्त उनको लगे कि नहीं उन्होंने कुछ तो पढ़ाई ऑलरेडी अपनी कर ली है और अब उन्हें नई ड्राइव, नए जोश और नए हौसले के साथ उन्हें आगे बढ़ना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो सुझाव हैं इम्पोर्टेंट जो पेरेंट्स के लिए और जो सरकार के लिए और जो स्थानीय प्रशासन के लिए, निश्चित तौर पर उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगर हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। आज बस इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए TV1 India। धन्यवाद, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।